हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एडू फंडे आई एम योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टाइकोमेट्री और इसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ अलग अलग पैरामीटर्स ठीक है तो फॉर एग्जांपल मास वेट वॉल्यूम डेंसिटी एंड टेंपरेचर तो लेट स्टार्ट विद मास वेट तो मास और वेट ये दोनों में चीजें सेम नहीं होती है ये इनमें कुछ डिफरेंस रहता है तो ये क्या डिफरेंस है लेट स्टार्ट Mass of a substance is the amount of matter present in it. Okay, whereas weight is the force exerted by gravity on an object. For example, I have a box whose mass I can say it is 10 kg. Okay, or its weight we 10 kg into force that is acceleration due to the gravity that is 9.8. 10 into 9.8 it equals to 98. We de we denote it in in the form of newton. तो वेट मेरा क्या होगा 98 न्यूटन बट इसका मास होगा 10 के तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मास और वेट में सो द मास वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द चेंजिंग ग्रेविटी जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ग्रेविटेशनल एक्सलेशन इन अर्थ कितना है नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वजह से अगर इसका मान लीजिए वेट डब्ल्यू आया है तो W2 जो आएगा मून पे ये आएगा अराउंड W अपॉन सिक्स वन सिक्स वेट आता है मून पे क्योंकि इसका एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ये क्या है वन सिक्स वैल्यू ऑफ जी ऑफ अर्थ है ठीक है तो ये चेंज हो जाता है कैसा मेरा वेट चेंज होता है बट आई अ कॉन्स्टेंट मास ओके कॉन्स्टेंट मास रहेगा किसी भी मैटर का सो हियर वी कैन कैन इमेजिन इन मेरा अगर वेट रहा हंड्रेड न्यूटन रहा मान लीजिए हंड्रेड न्यूटन तो यहां पे मेरा वेट कितना रहेगा 100 डिवाइड बाय 6 न्यूटन ये क्यों रहेगा क्योंकि इसकी इसका जो एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ये कम है और अर्थ का ज्यादा है और ये क्यों है क्योंकि मास ऑफ द अर्थ ज्यादा है एंड मास ऑफ द मून कम है सो so, बट जो मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है ये कॉन्स्टेंट रहेगा इट विल बी कॉन्स्टेंट ओनली द वेट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन ये इक्वेटर और पोल पे भी ये वैरी करता है इनकेस ऑफ अर्थ सो लेट्स मूव ऑन यहां पर देखिए मास इक्वल टू अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज सिक्स पार्ट वेर वेट इज वेट इक्वल्स टू मून फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉक्स इन टू मास दैट इज वेट इज इक्वल टू हंड्रेड एल बी एस तो ये क्या आएगा वन सिक्स आएगा अगर मान लीजिए इधर आया सिक्सटी एल बी एस फिर ये एलबीएस क्या है ये पाउंड पर मास है पाउंड पर मास इट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द वेट ये वेट एक्सप्रेस करने के लिए और इसका वैल्यू होता है एक एक न्यूटन में मेरे पॉइंट टू टू फोर एट एल बी होते है मतलब पाउंड होते हैं राइट right? न्यूटन तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है टू एक्सप्रेस वेट तो अगर मान लीजिए मेरा सिक्सटी एलबी एलबीएस यहां पे आता है तो वन सिक्स आएगा इन केस ऑफ मेरा मून पे मतलब ये हो जाएगा टेन एलबीएस ठीक है तो ये वेट मेरा क्या करेगा इट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मेरा मास जो है इट विल बी कॉन्स्टेंट मास ऑफ दिस बॉक्स विल बी कॉन्स्टेंट so the SI unit of mass is kg which is a thousand gram and volume अभी जाएंगे अपन volume मेरा क्या है के volume has the unit of length cube so in SI system volume has units of meter cube तो so volume क्या है के mass अगर होगा density कितनी dense है और into volume ये मेरा दिखाता है mass तो so volume मेरा दिखाता है कि कितना एरिया पे वो कितना एरिया एंड टू लेंथ पे वो स्प्रेड आउट है कोई भी मैटर सो so ये दिखाता है लेंथ क्यूब में और इसका यूनिट है मीटर क्यूब स्मॉलर वॉल्यूम्स आर डिनोटेड इन सेंटीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब यूनिट्स क्योंकि ये छोटे होते हैं कॉमन यूनिट लीटर विच इज नॉट एन एसा यूनिट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अभी ऐसा यूनिट क्या है मेरा मीटर क्यूब है बट लीटर मेरा यूज होता है किसके लिए किसकेस में लिक्विड के केस में सीमीटर क्यूब इक्वल टू हंड्रेड एम एल इक्वल टू थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब देन डेंसिटी डेंसिटी मेरी क्या है मास बाय वॉल्यूम और डेंसिटी मेरा क्या डिनोट करता है हाउ कॉम्पैक्ट हाउ कॉम्पैक्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टूगेदर ओके सो अगर ये ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गए तो मेरी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होगी वेरी हाई इसीलिए वो छोटा सा वॉल्यूम भी उसका वेट क्या होता है उसका मास क्या होता है बहुत ज्यादा होता है बट इन आप देखोगे डेंसिटी ऑफ गैसेस इट इज वेरी लो इसीलिए उसका मास जो रहेगा वो लो रहेगा बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी लेगा लिया तो भी तो ये डेंसिटी मेरी दिखाती है सब्सटेंस सबसे अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज के जी पर मीटर क्यूब और डेंसिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देन आई हैव टेम्परेचर टेम्परेचर इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस यू कैन से देर आर थ्री कॉमन स्केल टू मेजर द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस देन फेरानाइट देन केलवीन सो फेराइट इज रिलेटेड टू डिग्री सेल्सियस एज फेल One, one Fahrenheit equals to 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 degree 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 Celsius 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 whereas the Kelvin 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 scale scale is is related to Celsius scale as follows. One Kelvin is equal to one degree Celsius plus नहीं denote करते हम तो इस तरीके से हम temperature तीन scale में दिखाते हैं यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली चीज है कि zero degree Celsius जो है ये can show negative value. बट केल्विन मेरा निगेटिव वैल्यू में नहीं जाता जीरो केल्विन के नीचे ये केल्विन नहीं जाता है। जब ये जीरो केल्विन होगा तो मेरा डिग्री सेल्सियस होगा माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस राइट तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और फेरानाइट और तीसरा है मेरा केल्विन तो ये तीन स्केल हो गए टेम्परेचर के सो आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एडू एंड प्लीज विजिट डब्ल्यू 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 डॉट एडू फंडे डॉट कॉम थैंक यू